थकावट आ रही है, डिस्ट्रेक्शन आ रही है बीच में, समझ रहे, बारिश आ रही है बीच में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं मुझे प्रभु से प्यार है, मैं इस आज्ञा को मानूंगा, और आप उसको ला के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, आप आत्मा में बढ़ जाते हो कदम। हालेलुया। आत्मा में बढ़ना क्या है, जितना आप रुकावटों को पार करते हो प्रभु की आज्ञा को मानने में, उतना अधिक आपका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रॉन्ग होता जाता है, बढ़ता जाता है। हालेलुया। मैंने बोला आज बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल रही है राइट नाउ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई आग को देख रहा, आग को देख रहा यहाँ पे, कोई आग का खंबा। मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने अभी पंखों वाले एंजल्स को देखा। बस जी, ये भाई बता रहे हैं कि जैसे आप खड़े हैं, इनको आपके आसपास जो है आग का खंबा दिखाई दे रहा है, जब इन्होंने आपकी बंद करी। बस आग का खंबा कहाँ है? प्रभु के द्वार खुल चुके हैं, प्रभु के द्वार खुल चुके हैं, रोशनी आ रही है, रोशनी दिखाई दे रहे हैं। ये बहन बता रही हैं कि इनको आपका खंबा, जब इन आंखें बंद करी, इनको आपका खंबा दिखाई दे रहा है। पास्टर जी ये भाई बता रहे हैं कि इनको पूरी कलीसिया के ऊपर एक आग का खंबा हुआ तो उतर हुआ पूरी। पास्टर जी बहन बता रहे हैं कि इनको पूरे ऐसे खंबा दिखाई दे रहा, पूरी चर्च के ऊपर ये आग को देख रहे हैं। पास्टर जी जैसे कि आपने बताया, अभी ये बहन बता रही हैं कि इन्होंने अपने पास पंखों वाले एंजल्स को देखा, यहाँ खड़े हुए पंखों वाले एंजल्स को देखा। दो लोग पंखे वाले खड़े थे और कबूतर पंखों वाले दूध खड़े थे। कबूतर बहुत जोर से चमक रहा था, उड़ रहा था बहुत जोर, बहुत चमकता हुआ कबूतर, पवित्र आत्मा उतर रहा था। पास्टर जी इस ब्रदर को भी पूरे पंखों वाले दूध दिखाई दिए और पूरी रोशनी उनके पंखों से निकल कर हमारी कलीसिया पे आ रही है। यहाँ पे स्वर्ग दूत है, यहाँ पे स्वर्ग दूत है। कितना बड़ा है, बहुत सारे हैं। दिनों से पास्टर जी इनके लेफ्ट कान में बहुत भारीपन था और जिसकी वजह से सुन नहीं पा रहे थे सही ढंग से, क्लियर सुन पा रहे हैं। ये बता रहे हैं एक साल से इनका पीएफ रुका हुआ था और वो पैसे इन्हें मिल नहीं रहे थे, पीएफ के वो पैसे जो रुके थे सारे के सारे वापस मिल गए। चार महीने से इनके पैरों में बहुत सीवियर पेन था, पूरी रीति से जा चुका है, अब ये उठ बैठ पा रहे हैं, कोई भी दर्द नहीं है इनको। 5 साल से ये अपना खुद का घर लेना चाहते थे और 2022 में इनका घर बनकर तैयार हो चुका है। एक हफ्ते से इनके सीने में बहुत सीवियर पेन था, इनके सीने का दर्द जा चुका है, अब ये खाना खा पा रहे हैं। पास्टर जी ये बता रहे कि 2 महीने से इनके गले में इतना ज्यादा पेन होता था, गले में जो भारीपन था वो बिल्कुल चला गया। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावन कहता यही मौजूद हो यीशु के अनुग्रह, रूहे खुदावन सुनेगा जरूर, मौजूद हो यीशु के अनुग्रह, रूहे खुदावन करेगा जरूर। खुदा का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक उसके धर्मी जनों के साथ। आमेन।